नमस्कार दोस्तों, रीट 2021 का लेवल टू मैथ्स एंड साइंस का टॉपिक आज हम लोग लेने जा रहे हैं ऑक्साइड्स। इससे पहले हम लोग कई सारे वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने केमिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे और लिंक्स डाल दूँगा जितने भी वीडियो अब तक डले हैं, आप लोग सारे वीडियोज़ देख के इसमें मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो सारा कंटेंट जो कि आपको सफलता पाने में आपकी सहायता करेगा। सब कुछ है एनसीईआरटी का, सारा निचोड़ मैंने सारी वीडियोज़ में कवर किया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वाले टॉपिक से। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्साइड्स में कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ऑक्साइड्स की बात करें तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन जब किसी और तत्व के साथ में मिलेगा तो वो एक ऑक्साइड कहलाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ परिभाषा देखें तो ऑक्साइड एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ में अन्य तत्व के साथ रासायनिक यौगिक होते हैं। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई या तो एक ऑक्सीजन हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन हो सकता है, पर एक ही दूसरा तत्व होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के साथ में एक ही तत्व है, वो है हमारा कार्बन। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ है। इसी तरह से लिथियम ऑक्साइड के अंदर लिथियम दो हैं और ऑक्सीजन एक है। तो इस तरह हम लोग बोलते हैं कि जब कोई ऑक्सीजन किसी और तत्व के साथ में जुड़ता है एक या अधिक संख्या में, उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड। ये हो गई हमारे ऑक्साइड की परिभाषा की बात। यहाँ हम लोग ऑक्साइड्स को तीन तरह से विभाजित करते हैं उनके अम्लीय और क्षारीय गुणों के आधार पर। अम्लीय, क्षारीय और तीसरा टाइप, जिसमें दो प्रकार हम लोग लेंगे जिन्हें हम लोग एम्फोटेरिक या उदासीन कहते हैं। एम्फोटेरिक एक अलग चीज़ है, उदासीन एक अलग चीज़ है, पर जनरली एम्फोटेरिक उदासीन हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले अम्लीय ऑक्साइड कौन होंगे? अम्लीय ऑक्साइड वो ऑक्साइड होंगे जो कि जल के साथ में मिल करके और अम्ल का निर्माण करते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कौन होंगे? जो जल के साथ मिलकर के क्षार का निर्माण करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होंगे? एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, जो कि जल के साथ मिलकर के, वैसे इनको ऐसे ना बोल करके यूं बोला जाए कि ये अम्ल के साथ क्षार की तरह बिहेव करते हैं और क्षार के साथ अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। फिर लास्ट में ऑक्साइड आते हैं हमारे पास में उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय प्रकृति दर्शाते। इनमें से सबसे पहला ऑक्साइड हम लोग लेने जा रहे हैं अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड को हम लोग अधातु ऑक्साइड भी कहते हैं। अधातु ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधातुओं के ही ऑक्साइड होते हैं। जैसे कार्बन एक अधातु है तो इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हम लोग थर्ड रिएक्शन में देखिए, इस वाली में कार्बन डाइऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारे को मिल रहा है कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्साइड है ये एक अधातु का ऑक्साइड है जो कि अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा, क्योंकि ये जल के साथ मिलकर के एक अम्ल का निर्माण कर रहा है। सेम ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे इनके उदाहरण हैं, क्योंकि अधातुओं की ऑक्साइड्स की खास बात ये होती है कि ये पानी के साथ मिलकर के अम्ल का निर्माण करते हैं। अब अधातुएं मुख्यतया पी ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में 14वें से लेकर के 17वें ग्रुप में आती है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि अधातुएं जिनका समूह 14 से 17 तक है वे एसिड एनहाइड्राइड्स या अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब ये एसिड एनहाइड्राइड्स का क्या मतलब है वो बात समझा दूँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि H2SO3 से जल को निकाल दो तो SO2 बचेगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बचेगा। इसका मतलब मैं H2SO3 से जल को निकाल रहा हूँ
जल को निकालना मतलब एनहाइड्रस करना, तो मैं SO2 को और किस नाम से, सल्फर डाइऑक्साइड को और किस नाम से जान सकता हूँ? मैं इसे बोल सकता हूँ सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है ना, इसलिए इसे बोलेंगे सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। इसी तरह से SO3 कैसे बनेगा, जब H2SO4 में से जल निकालेंगे तो मैं इसे बोल सकता हूँ सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। इस तरह से आपको समझना है। अगली बात करते हैं कि जब हम लोग इन अम्लीय ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो ये लवण का निर्माण करेंगे जल के साथ में। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है SO2 के NaOH के साथ अभिक्रिया। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, CO2 के H2O के साथ में अभिक्रिया H2CO3 बनता है, ये आ सकता है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग क्षारीय ऑक्साइड की। क्षारीय ऑक्साइड कौन होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड मुख्यतः वो ऑक्साइड्स होंगे जो कि धातु के ऑक्साइड हों। धातु के ऑक्साइड अब आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का, एस ब्लॉक में S1 S2 दोनों याद होने चाहिए, जिनका नाम है क्षारीय धातुएं व क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये इनके ऑक्साइड, ये नहीं, इनके ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षार का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, पोटेशियम के ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे KOH बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे CaOH होल्टेराइज बनेगा, MgO की रिएक्शन कराएंगे MgOH होल्टेराइज बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या बन रहे हैं, क्षार बन रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनको बोल रहे हैं क्षारीय ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि ये देखिए मैंने सारे के सारे इस तो रेड में लिखे हैं, बाकी मैंने ब्लू में हाईलाइट करें। ब्लू में हाईलाइट इसलिए करें क्योंकि ये ब्लू वाली शब्द आपको याद, ये साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि जो रेड लाइंस होती हैं वो अपने को याद नहीं रहती, कभी भी हमारे जो मार्क्स लिखे जाते हैं वो रेड में इसलिए लिखे जाते हैं कि याद ना रहे हमको। हाँ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हमें याद नहीं रखनी चाहिए भविष्य की, ठीक है? तो ब्लू लाइंस इसलिए लिखी क्योंकि जो जो चीज़ आपको याद करनी वही मैंने लिखा, जैसे समूह 1 और समूह 2, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको यही याद रहे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, ये याद रखना है आपको, ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक और नीचे नीचे ये बात याद रखनी है कि जब इनकी, क्योंकि ये क्षारीय ऑक्साइड है इसीलिए इनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवणोज्जल बनेगा। उदाहरण दे रखे MgO की HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे MgCl2H2 बनेगा, ऐसे ही Na2O की रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे Na2SO4+ जल बनेगा, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैंने क्या बताया था, ये देखो लिख क्या रखा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों क्षारीय और अम्लीय गुण रखते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्षार के गुण दर्शाएंगे और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल के गुण दर्शाएंगे, नमक और जल दोनों रिएक्शन में समान बनेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, और ये पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है इसीलिए फिर बता रहा हूँ, Al2O3 और ZnO, ये रट लीजिए आप लोग, रट लीजिए Al2O3 ZnO, Al2O3 ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए और ये चारों ही अभिक्रियाएं याद होनी चाहिए। ZnO के HCl के साथ रिएक्शन करेंगे ZnCl2+H2O बनेगा, ZnO की रिएक्शन NaOH के साथ में करेंगे तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा, जल के साथ में Al2O3 के H2SO4 के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, जल के साथ में Al2O3 के NaOH के साथ रिएक्शन तो सोडियम एल्यूमिनियम NaAlO2 बनेगा, ये आपको याद होनी चाहिए, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन होते हैं, वे ऑक्साइड्स जो कि ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय, दोनों तरह के गुण नहीं दर्शाते हैं। इनके उदाहरण आपको याद होने चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपको याद होने ही चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह का ऑक्साइड है, इसमें आपको बताना है कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है क्योंकि ना तो अम्लीय गुण रखता है ना ही क्षारीय गुण रखता है। इसमें यहाँ पे एक नोट आपको याद होना चाहिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो एक पीरियड में, एक आवर्त में किस तरह से अम्लीय और क्षारीय गुण परिवर्तित होते हैं। तो जब हम लोग एक पीरियड में, एक आवर्त में गति करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर देखो पहले आती धातुएं फिर आती है अधातुएं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय गुण रखते हैं और आगे जाने पर
धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय गुण रखते हैं, मतलब क्षार से अम्ल बन रहा है, मतलब अम्लीय गुण बढ़ते हैं। तो हमें याद होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट जाने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ये बात न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों यौगिक ऑक्साइड। यौगिक ऑक्साइड कौन होते हैं? वे ऑक्साइड जो कि एक ऐसे ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे दो ऑक्साइड मिलके ये बने हो, जब इनको तोड़ा जाता है तो इनसे दो ऑक्साइड निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो धातु होती है उन धातुओं की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दो ऑक्सीकरण अवस्था, एक कम ऑक्सीडेशन नंबर एक ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यौगिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल ये याद रखना है Pb3O4 रेड लेड और दूसरा है फेरी फेरो या फेरोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4, दोनों का आपको याद रखना है। इसमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी याद रखनी है कि Pb3O4 में लेड की Pb2 के रूप में ऑक्सीकरण अवस्था है +4 जबकि Pb2 में ऑक्सीकरण अवस्था है +2। फेरोफेरिक में Fe2O3 के इस फॉर्म में है +3 और FeO के फॉर्म में है +2। ये बात हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। एक लिए एक रिएक्शन और याद होनी चाहिए कि जब फेरोफेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो क्या होता है, FeCl3 FeCl2 बनता है। जल के साथ में FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और FeCl2 में +2 है। ये बात हुई हमारी यौगिक ऑक्साइड। अब एक लास्ट चीज़ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए ये क्या है। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीन तरह के ऑक्साइड्स, इन तीनों में क्या अंतर है। ऑक्साइड जो है वो हमेशा M2O की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे Na2O, Li2O इस तरह से। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, यहाँ मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है। दूसरा है परोक्साइड। परोक्साइड क्या होते हैं? परोक्साइड के अंदर हम लोग लिखने का जो तरीका होता है वो M2O2 की फॉर्म में होता है, M2O2 मतलब मेटल के परोक्साइड। यहाँ पर मेटल की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -1 होती है, ये आपको याद रखना है -1, ये इंपॉर्टेंट है। परोक्साइड आपको आना चाहिए, जैसे कोई पूछ ले कि Na2O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, -1। लास्ट है सुपर ऑक्साइड। अच्छा ये भी याद रखना है, कौन बनाते हैं, लिथियम सोडियम बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बात करते हैं सुपर ऑक्साइड्स की। सुपर ऑक्साइड्स कौन होते हैं? जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 होती है। कौन बनाते हैं वो भी आपको याद रखना है, पोटेशियम रुबीडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड्स का निर्माण। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और वीडियोस अब कंटिन्यू आती रहेगी क्योंकि रीट की जो डेट है वो फाइनल डिसाइड हो गई है। यहाँ हम लोगों ने आज ऑक्साइड कवर किया, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियोज़ फटाफट जैसे जैसे आती जाए आपको जानकारी मिलती जाए और आप पढ़ते जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।